नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, हीरा मोती सोना चांदी सभी फेल है इन जड़ी बूटियों के आगे। ईश्वर का बहुत बड़ा दिया हुआ या वरदान है जो हमारे स्वास्थ्य को निखारने का काम करता है या जड़ी बूटियां। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक जड़ी बूटी पौधा लेकर आया हूँ जिसे ब्रह्मडंडी के नाम से जाना जाता है और इसे सत्यानाशी भी कहते हैं। दोस्तों, सत्यानाशी नाम सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है कि क्या इस पौधे का नाम सत्यानाशी है तो क्या यह इंसान को फायदा देगा या सत्य में नाश कर देगा। लेकिन दोस्तों, यह सत्यानाशी है बीमारियों के लिए, इंसानों के लिए नहीं। आज हम इसी पौधे के बारे में आपको बताएंगे कि इसके कितने फायदे हैं और आयुर्वेद के अनुसार यह जड़ी बूटी कितना नामचीन है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इस पौधे को पहचान करा दे रहा हूँ, जो लोग नहीं पहचानते हैं पहचान ले। दोस्तों, यह सत्यानाशी का पत्ता है। पत्ता का रंग जो है हरा है और बीच में किसी चमकते हुए बिजली की तरह सफेद सफेद लकीर है। दोस्तों, यह पौधा पूरे भारत वर्ष में पाया जाता है कंकड़ीले भूमि में। इस पौधे की ऊंचाई करीबन 3 फुट से लेकर 5 फुट बड़ा से बड़ा पाया जाता है। इसके फूलों का रंग पीला होता है और फूलों के बीच में इस तरह से गुलाबी पंखुड़ियां होती हैं और फूलों के झड़ जाने के बाद इस तरह से इसमें फल लगते हैं जो आपके सामने है, आप देख लीजिए। दोस्तों, इस पौधे के हर हिस्से में कांटा होता है, यहाँ तक कि इसके तना से लेकर फल फूल पत्ती सभी जगह कांटे हैं। मैं आपको कांटे दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये सामने जो दिख रहा है ये फल है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस पौधे को ठीक से पहचान चुके होंगे। तो अब हम इसके फायदे के बारे में बात करते हैं कि यह पौधा किस किस बीमारी में फायदेमंद है। और दोस्तों, इस पौधे को आप कहीं से भी तोड़ेंगे, चाहे पत्ता चाहे डंठल या फल, तो इसके दूध जो है पीले रंग के निकलते हैं हल्दी के जैसे। तो देख लीजिए, आप लोग पहचान लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहला फायदा इसका यह है कि अगर किसी भी तरह का किसी भी प्रकार का त्वचा रोग है तो उसमें यह फायदेमंद है। दोस्तों, अगर किसी के चेहरे में काला काला छाई है तो उस छाई पे इसके पत्ते को पीसकर चटनी बनाकर लेप करने से बस एक दिन में यह वह छाई जो है लाल हो जाता है, चेहरा खिल जाता है। दोस्तों, यह दांत खाज खुजली एक्जिमा अकवत अप्रस यानी किसी भी तरीके का चमड़ी का रोग है तो उस रोग में इसके पेस्ट को लगाने से बहुत जल्दी फायदा होता है। पेस्ट मीन्स जैसे कि इसके अंदर पीला पीला दूध निकलता है, उस दूध का भी लेप करने से बहुत जल्दी फायदा होता है और इसके चटनी बनाकर भी लेप करने से बहुत जल्दी फायदा होता है। और दोस्तों, ये जो आप फल देख रहे हैं, यह फल अभी कच्चा है। यह फल जब पक जाएगा, सूख जाएगा तो इसके अंदर काले काले बीज होते हैं। वह बीज जो है ब्रह्मडंडी बीज के नाम से जाना जाता है दोस्तों, जिसे पुरुषों की कमजोरी में दवा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हर तरह की कमजोरी को दूर करने की क्षमता रखता है यह ब्रह्मडंडी का बीज। दोस्तों, इसका फल फूल छाल जड़ सभी आयुर्वेदिक औषधियों में इस्तेमाल किया जाता है। इसे सुखाकर पाचक बनाकर पाउडर बनाकर रख लीजिए। तो दोस्तों, अगर किसी को हराहट है, बेचैनी है, बुखार है तो इसके 2 ग्राम चूर्ण को 300 ग्राम पानी में पकाकर जब 50 ग्राम बच जाए उसे चाय जैसा पीने से बुखार जो है जल्दी से उतर जाता है। दोस्तों, यह मोतियाबिंद भी काफी लाभदायक है, फायदेमंद है। इसके पत्तों को सुखाकर जलाकर राख बनाकर 10 ग्राम राख को 10 ग्राम गाय के घी में मिलाकर काजल बनाकर आंखों में लगाने से मोतियाबिंद और रतौनी का बीमारी दूर होता है। अगर किसी को कोढ़ रोग है तो कोढ़ रोग में भी इसके पत्तों का चटनी बनाकर पेस्ट बनाकर लेप करने से कोढ़ रोग में काफी फायदा पहुंचता है। अगर किसी को सपन दोष की बीमारी है, नाइट फॉल की बीमारी है तो दोस्तों इसके जड़ का चूर्ण करीबन 5 ग्राम दूध से पीने से नामर्दी कमजोरी दूर होता है। दोस्तों, यह अद्भुत आयुर्वेदिक चमत्कारी जड़ी बूटी है जो हजारों सालों से इसे लोग स्वस्थ होने के लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं। दोस्तों, यह पौधा बरसात के बाद अपने आप नदी नाला के किनारे पैदा होता है कंकड़ीले भूमि में और ठंडी का मौसम
आते आते इसमें फूल और फल लग जाते हैं और ठंडी के मौसम जाने के बाद गर्मी में यह पौधा सूख जाता है। दोस्तों अगर किसी को सांस फूलता है तो इस जड़ी बूटी के पाउडर का चाय बनाकर पीने से सांस फूलना जो है कम हो जाता है। यह एक एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक पौधा है। यह हर प्रकार के बैक्टीरिया को नाश करने वाला पौधा है। तो दोस्तों यह घाव को जल्दी सुखाता है, इसलिए इसके अंदर आयोडीन का मात्रा पाया जाता है। यह पेट रोग में काफी फायदेमंद है। इसके अंदर विटामिन सी का मात्रा पाया जाता है। यह त्वचा के लिए काफी फायदेमंद है। यह विटामिन सी इसके पत्तों में अधिक पाया जाता है। दोस्तों यह पौधा बहुत ही प्रभावशाली है। जो केमिकल्स हल्दी के अंदर पाए जाते हैं वही केमिकल इसके अंदर भी पाया जाता है। दोस्तों जिस तरह से हल्दी खून को जमा देता है, खून को बहने नहीं देता है, जख्म को सुखा देता है, उसी तरीके से यह पौधा भी खून को जमा देता है, खून को बहने नहीं देता है, जख्म को बहुत जल्दी भर देता है। दोस्तों इसके बीजों के अंदर विटामिन ई का मात्रा पाया जाता है और विटामिन ए का भी मात्रा पाया जाता है, जिसके वजह से यह स्टेमिना पावर को बढ़ाने का काम करता है। दोस्तों यह सत्यानाशी ब्रह्मडंडी को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है। आप किस नाम से जानते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज की महत्वपूर्ण जानकारी हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों नमस्कार। पहाड़ी आयुर्वेदिक।